डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे परिसीमन की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में लोकसभा सीटों के परिसीमन पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि दक्षिणी राज्यों को उनकी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने और विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं परिसीमन क्या है। परिसीमन से तात्पर्य आबादी का प्रतिनिधित्व करने हेतु किसी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना है। चुनाव आयोग के अनुसार परिसीमन एक देश या एक विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या सीमाओं को तय करने का कार्य या प्रक्रिया है। इसमें परिसीमन आयोग बिना किसी कार्यकारी प्रभाव के काम करता है। चलिए अब जानते हैं परिसीमन से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है, जबकि अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इसके बाद परिसीमन करने के लिए परिसीमन आयोग के रूप में जाना जाने वाला एक स्वतंत्र उच्चाधिकार प्राप्त पैनल गठित किया जाता है। आपको बता दें, पहला परिसीमन 1950 से 51 के बीच में चुनाव आयोग की मदद से राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। संसद ने इस उद्देश्य के लिए 1952, 1962, 1972 और 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियमों को अधिनियमित किया है। 1981 और 1991 की जनगणना के बाद कोई परिसीमन अधिनियम नहीं बनाया गया। निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया गया है, जबकि अगला परिसीमन आयोग 2026 के बाद गठित किया जाएगा। अब समझते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। दरअसल परिसीमन की आवश्यकता इसलिए है ताकि जनसंख्या के समान वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अवसर मिल सके। इसके अलावा भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन करने के लिए, ताकि किसी चुनाव में एक राजनीतिक दल को ही लाभ न मिल सके। इसके अलावा एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। और आखिर में बात परिसीमन आयोग की। परिसीमन आयोग एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति है, जिसे राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के रेखांकन और पुनर्निर्धारण का कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है, जो चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है। इस आयोग में शामिल है, पहला है एक सेवानिवृत्त या कार्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसी तरह चुनाव आयुक्त इसमें शामिल होते हैं और संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त भी इसमें शामिल किए जाते हैं। भारतीय संविधान के मुताबिक इस आयोग का निर्णय अंतिम होता है, जिसे किसी भी अदालत के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। जब परिसीमन आयोग के निर्णय को लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाता है, तो वह इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। चलिए, अब वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है, जो चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है। कथन दो है कि जनसंख्या के समान वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए गठित किया जा सकता है। और कथन तीन है, इसका निर्णय अंतिम होता है, जिसे किसी भी अदालत के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन, या फिर ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।